आप लोग सोचते होंगे फिर से किचन क्या करें दोस्तों, हम औरतों की आधी लाइफ तो किचन में ही चली जाती है क्या कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एंड गुड इवनिंग। आज सुबह की वीडियो नहीं बना पाई हूँ दोस्तों, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। हम दोपहर का टाइम है, अभी हो चुके रात के 8 बज चुके हैं। और जैसा कि बताया था मैंने कि मैं आजकल बहुत कम जाती हूँ शॉप में, बिकॉज पैरों में तकलीफ मेरी कम नहीं हो रही है। तो बस दोस्तों, और हाँ, त्यौहार आने वाले हैं, सभी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, साफ सफाई एंड बहुत से दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ चल रहे होंगे। और मेरे जैसे हैं जो लोग थोड़ा बहुत क्राफ्ट करते हैं, मैं भी करती हूँ फ्रेंड, ज़्यादा तो नहीं, जैसा मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो उस हिसाब से। तो मैंने भी कुछ सोच रखा है तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और वैसे देखा जाए तो फ्रेंड्स, मार्केट में तो एक से एक डेकोरेटिव आइटम्स मिलते हैं, बट अपने हाथों से बनाई चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी लगी थी रोटी बनाने के लिए और सारा दिन मेरा बिजी गया है, बिकॉज साफ़ सफाई भी चल रही है और ऊपर से मेरे थोड़े से गार्डनिंग वगैरह का भी चल ही रहा है। तो उसका अपडेट दूंगी, मैं दिखा नहीं रही हूँ, और थोड़े से करने में वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाने की सोच रही हूँ। अब मैं नेचर लवर हूँ, प्लांट्स लवर हूँ, तो ऑब्वियसली उनसे ही रिलेटेड कुछ ना कुछ करूँगी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और देखते हैं क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, मैंने पिछले साल कुछ बनाए थे, एक कार्डबोर्ड का बनाया था मैंने लैम्प, तो वो इस साल तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा कुछ चेंज करूंगी, उसका लुक जरूर चेंज करूँगी, वो शेयर करूंगी और दिखाऊंगी भी आप लोगों को। और कुछ दिया स्टैंड बनाए थे हैंगिंग वाले, सारे वेस्ट मटेरियल से बनाए, जैसे कार्टून होते हैं ना पुराने, उनसे बनाया था। और एक पुराने कार्टून का मैंने टेबल जैसा बनाया था, जिसका मैं 2-in-1 काम करती हूँ, अंदर का सामान भी रखती हूँ, ऊपर से मैं अपना प्लांटर भी रखती हूँ उसमें। और उस टाइम मैं ब्लॉगिंग में नहीं करती थी, मैं इस फील्ड में आई ही नहीं थी। अरे हाँ, अच्छा याद आया यार, मैं यदि इसमें इस फील्ड में आ गई हूँ तो क्या गुनाह कर दिया है बताइए, कुछ गलत काम किया है क्या मैंने, जो इतना ज़्यादा मुझे मतलब नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा भेदभाव। मैं यहाँ कौन सा गुनाह कर रही हूँ, सिर्फ अपनी बातें तो रख रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अपनी कुछ बातें बता रही हूँ, और क्या मुझे हंसने मुस्कराने का अधिकार नहीं है। मैं इसमें आने से पहले, इस सोशल मीडिया में कदम रखने से पहले दोस्तों, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था जिसमें, उस वक्त मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी, थैंक्स टू टीनी, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आया और आज मैं फिर से पहले वाली जैसी होगी, हंसने मुस्कराने लगी हूँ, जीने की उमंग आ गई है। तो क्या पाप किया पहले दोस्तों, और मुझे पता है मेरी कुछ कहानियाँ अधूरी रह गई है, सब कुछ शेयर करूँगी फ्रेंड्स, वक्त तो आने दो, क्योंकि मुझे उस चीज़ को दोबारा जीना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर तो होने दीजिए, मैं पक्का बातें शेयर करूँगी। यार आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी तो किससे शेयर करूँगी, तो बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँ, क्योंकि वो इतना ऐसा टफ टाइम था ना, तो थोड़ा सा उसी उस पल में चली जाऊँगी, मुझे फिर से जीना पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, मैं यहाँ इस फील्ड में आई हूँ, आप जैसे लोग मुझे मिले हैं, इतना प्यारा परिवार मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आई एम सो हैप्पी। और इसी तरह मेरा साथ देते रहिए। इस वीडियो को यहीं छोटा सा बनाती हूँ, उसको यहीं बंद करती हूँ, इसका एंड यहीं करती हूँ, और फिर मैं जो कुछ बनाऊँगी तो वो आप लोगों को साथ में करेंगे, ठीक है? ओके, तो फिर
विदा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल में आते रहिए। बाय।